राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बड़ा झटका, बीएमसी में 7 में से 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हुए। मुंबई के करीब कल्याण में 6 साल की बच्ची का यौन शोषण, स्वीपर गिरफ्तार। मुंबई लोकल में विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में गर्भवती महिला को सफर करना महंगा पड़ा, पति सहित पत्नी की पिटाई। पारसी समुदाय ने किया मेट्रो का विरोध, पारसियों को अपने 2 मंदिरों के नीचे मेट्रो के लिए सुरंग बनाने पर आपत्ति है। कीटनाशक के छिड़काव की वजह से 30 किसानों की मौत के सिलसिले में 9 अधिकारियों को नोटिस, 10 दिनों में मांगा गया सरकार से जवाब। हमारा के 819 घरों के लिए 42,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। आज तक पंचायत में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने जीएसटी को बताया कांग्रेस की सोच, कहा मोदी सरकार ने गलत ढंग से लागू किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश के बाद गुरुदास कामत ने की सोनिया गांधी की तारीफ, लिखा सोनिया को सलाम करता हूं और हर कांग्रेसी भी सलाम करता है। फिल्म निर्देशक भंसाली पर हमला करने वाली करणी सेना ने नवी मुंबई में फाड़ा फिल्म पद्मावती का होर्डिंग, फिल्म को रिलीज न होने की धमकी भी दी। कंगना रनौत के खिलाफ आदित्य पंचोली और जरीना बहाव ने ठोका अंधेरी अदालत में मानहानि का दावा, कंगना के एक इंटरव्यू को लेकर ठोका गया है दावा। ठाणे से दिवा के बीच मुंबई की तरफ आने वाली फैजाबाद एक्सप्रेस से कटकर गैंगमैन की मौत, सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल। महाराष्ट्र के अकोला में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए 2 इंजीनियर गिरफ्तार। नांदेड़ में सिर्फ 3 सीटें पाकर तीसरे नंबर पर आने से दुख से ज्यादा शिवसेना को वहां बीजेपी की हार की खुशी है, सामना में लिखा नतीजों को साबित हुआ बीजेपी को हराया जा सकता है। नांदेड़ में 81 में से 73 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई है बीजेपी। बैंकों को डूबे हुए कर्ज वसूलने के लिए महज एनसीएलटी पर ही निर्भर नहीं रहने की नसीहत, एसबीआई के एमडी बोले मौजूद हैं कई और विकल्प। ₹12.5 बढ़कर 8,000 करोड़ पहुंचा दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा, जियो का घाटा बढ़कर 271 करोड़ रुपए। 30 रुपए की गिरावट के साथ 30,800 रुपए प्रति तोले हुआ सोने का दाम, चांदी की कीमत में 100 रुपए की बढ़ोतरी। 250 पॉइंट्स बढ़कर 32,432 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 71 अंक बढ़कर 10,167 पर बंद। दिल्ली से मुंबई के बीच 16 अक्टूबर से चलेगी नई राजधानी, ताकि 600 रुपए सस्ता होगा किराया, 17 घंटे की जगह करीब 15 घंटे में होगा पूरा सफर। नंदिता दास की फिल्म मंटो अगले साल रिलीज के लिए तैयार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं मंटो का किरदार। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म में बेटी सोनम के साथ काम करेंगे अनिल कपूर, फिल्म का टाइटल होगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आरुषि के ऊपर बनी फिल्म तलवार में सीबीआई अफसर अश्विनी कुमार का रोल करने वाले एक्टर इरफान खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नतीजों को सराहा, कहा तलवार दंपति को न्याय मिला है। अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को आखिरकार किया सेंसर बोर्ड ने पास, 17 नवम्बर को रिलीज होगी। सीक्रेट सुपरस्टार्स और गोलमाल अगेन को मिला
यूएस सर्टिफिकेट दोनों दिवाली वीक पर हो रही है रिलीज। करण जौहर की शॉर्ट फिल्म में काम करेंगी परिणीति चोपड़ा, अनुराग कश्यप करेंगे प्रोड्यूस।